का हमारा क्वेश्चन है व्हाई NO2 फॉर्म्स डाइमर। इसका मतलब ये है कि NO2 N2O4 क्यों बनाता है, NO2 डाइमर क्यों बनाता है, N2O4 क्यों बनाता है। तो सबसे पहले हम NO2 के स्ट्रक्चर को समझते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 7, और आउटर मोस्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम बनाते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। NO2 दो ऑक्सीजन भी जोड़ने, पहला ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन दोनों नाइट्रोजन के साथ एक डबल बॉन्ड बना लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। वहीं पर ये दूसरा ऑक्सीजन देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? अगर ये ऐसा करता है, अगर ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस नाइट्रोजन में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ये दोनों ही 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास 2d ऑर्बिटल नहीं होता, इनके कॉन्फ़िगरेशन में 2p तक ही होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। तो नाइट्रोजन क्या करता है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ये डेटिव बॉन्ड है, इसी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। तो अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन के हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस डेटिव बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में ही बना सकते हैं, और ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये NO2 बन गया और इसमें इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इस नाइट्रोजन की हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो नाइट्रोजन में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो NO2 है, ये दूसरे NO2 के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। जैसे ये NO2 मॉलिक्यूल है और ये दूसरा NO2 मॉलिक्यूल है, N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब NO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दो NO2 आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इस नाइट्रोजन का भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमें इस आंसर को ऐसे लिखना है, सिंस NO2 कंटेन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ वाई इट कंबाइंस विथ अदर NO2 मॉलिक्यूल टू अटेन स्टेबिलिटी। तो इस वजह से NO2 डायमराइज होता है।